मंजिल ये नहीं है कि डिग्री मिल जाए और जॉब मिल जाए, ये बहुत छोटे दर्जे की चीज़ है। मेरी, तुम्हारे वीसी साहब की, तुम बच्चियों की, बच्चों की एक ही मंजिल है कि या अल्लाह तू राजी हो जाओ। अल्लाह तुझे मरने से पहले पहले हासिल करना है, ढूंढना है, पा लेना है, राजी करके मरना है। लैतक तहलु वल अय्याम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनाम गज़ाब वलैत अल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैन अल आलमीन खराब वलैत अश्शराबी मिन विदादिक साफिया व शुरबी मिन माइल मईन सराब फ़ैज़ा सह मिनकल वुद्द फलकुल्लु हय्यन व कुल्लल्लज़ी फ़ौक़त तुराब तुराब। अल्लाह को पाते हुए जो सौदा करना पड़े कर जाओ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को रोमियों ने पकड़ लिया, सहाबी हैं, उनको आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो लोगों ने रोमी बादशाह से कहा कि ये अरो रो पड़ा है, डर गया है, उनका ले आओ, मेरे पास ले आओ, उनको वापस लाए। तो रोमन बादशाह ने पूछा, क्यों रोयो, मौत से डर गए हो? कहने लगे, मौत तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, मैं अपनी बेबसी पे रोया हूँ। का क्या बेबसी है? का बेबसी ये है कि एक जान है, आग में गिरते ही जल के राख हो जाएगी। काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जाने होती और मैं एक एक जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता, कुर्बान करता। आज मरने का मज़ा नहीं आ रहा, इस पे रोया हूँ। तो बादशाह इतना हैरान हुआ, उसने कहा तू मेरा माथा चूम दे और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो उसका माथा चूमा, उन्होंने छोड़ दिया। 2000 साल पीछे चले जाएँ, फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया, उसकी दो बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो, उसने क्या कहा, क्या कहा? अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी, फिरौन ये तो मेरी दो हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़ख़्ज़ मा अंतकाफ, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झूल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई, एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से। और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही है, इस बेरी या फ़इन्ना लकि मिनल अजरि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सबर करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। और शुरू मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा, अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही,
इसबरी या उम फइन लक मिन अल अजर कदा व कदा। मां जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा, फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी। कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन ने पूछा क्या? कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती, जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाहु अकबर का नारा लगाती हुई, हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गईं। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो, दफन। 2000 साल के बाद बच्चों बच्चियों, 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ, 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है। और बैतुल मक़दस पर जब वो ऊपर पहुँचे हैं तो मिस्र वहाँ से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा जिब्रील, जन्नत की खुशबू आ रही है, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ से? अभी तो जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, तो ये ज़मीन से जन्नत की खुशबू क्या आ रही है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई जान का और अपनी बच्चियों का, उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहां दफन किया गया है, ये खुशबू जिस दिन उन्हें दफन किया था उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। अल्लाह अपने नाम पे कुर्बान होने वालों की यूं कीमत लगाता है। पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो कि मुझे अपनी ज़िंदगी की से लेना क्या है। मुझे अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को पाना है। मैंने अल्लाह को, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राज़ी है तो फिर मौत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत की, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बनू उमैया, मरवान 9 महीने हुकूमत की, उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की, उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की, उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की, उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। पहले तीनों ने चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए, हुकूमत को पाँव के तले रखा और अल्लाह की रज़ा को सामने रखा। इनको जहर दिया गया, जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने रजा बिन हैवा को बुलाया, सुनने वाली बात है बच्चों, उनसे फरमाने लगे सुनो, मैंने 3 बादशाहों को कब्र में उतारा। अब बच्चियां तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हम तो अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और ऊपर मिट्टी डालते हैं और ऊपर ईंटें डालते हैं और फिर मनो मिट्टी में दबा के वापस आते हैं। ये मंजर आप बच्चियों के तो देखने का भी नहीं है। वो कहने लगे मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी में डाला, लेकिन उनके कफन की गिरा को जब खोल के देखा तो उनके चेहरे किबले से हट चुके थे और रंग उनके काले पड़ चुके थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप
वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों का उनके चेहरे काले हो गए थे और उनका किबले से मुंह फिर गया था। अब मैं मरने लगा हूँ, मुझे पहले ज़रूर चेक करना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। पहले तीनों की जुल्म की हुकूमत थी, इनके चेहरे किबले से क्यों हट गए? आपको अजब बात बताऊं, वलीद बिन अब्दुल मलिक रोजाना तहज्जुद में खड़े होके 10 सिपारे पढ़ता था, 10 सिपारों की तिलावत तहज्जुद में करता था खड़े होके, और किबले से चेहरा हट गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तहज्जुद गुजार, चेहरा किबले से हट गया, जुल्म किया, जुल्म किया, जुल्म किया, खून को पानी बना दिया, हुकूमत पर शरीयत को कुर्बान किया, रिश्ते नातों को कुर्बान किया। अल्लाह ने किबले से चेहरे, नमाजें मुंह पे मार दी, रोज़े मुंह पे मार दिए, हज ज़कातें मुंह पे मार दी, तहज्जुद उनके मुंह पे मार दी और उनके चेहरों को किबले से हटा दिया और रंग काले कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसी सल्तनत को अदल से भर दिया, उसी सल्तनत को अदल से भर दिया। कैसी सल्तनत की? जब गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे सामान चलता था, जब अमीरुल मोमिनीन बने तो बच्चे कहने लगे माँ से, बच्चे बच्चियां 12 थे, माँ से कहने लगे कि ईद का मौका आ रहा है, अब्बा से कहो हमें नए कपड़े तो लेकर दें। इनकी माँ का नाम है फातिमा, बच्चों की माँ का नाम फातिमा बिनत अब्दुल मलिक। ये दुनियावी स्टेटस में सबसे बड़ी खातून गुजरी है, आज तक उसके लेवल की कोई औरत नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 2-4 भाई बादशाह, 6 खामिन बादशाह, 7 नस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हजरत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी पूरी होती है, कहाँ से लेकर दूँ? तो थोड़ी देर खामोश रहीं बेगम, फिर कहने लगी आप ऐसा करें अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूँ और रोटी का ख़र्चा मैं मजदूरी करके, घर बैठे मजदूरी करके चला लूँगी, आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 बर्रज़म में ज़कात लेने वाला बाकी नहीं बचा था। यहाँ लाहौर भी उनकी हुकूमत के नीचे था, जनूबी स्पेन फ्रांस उनके हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनके हुकूमत के नीचे था, इस्तांबुल के दरवाज़ों तक उनकी हुकूमत थी। 3 बर्रज़म में 1 आदमी ज़कात लेने वाला ना बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर दूँ? और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूँगी और घर चूल्हे का खर्चा, रोटी का खर्चा मैं घर बैठ के मजदूरी करके कमा लूँगी। तो हज़रत उमर कहने लगे हाँ ये ठीक है। बाहर आए, वज़ीर ख़जाना मुज़ाहिम उन्हें बुलाया कि भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, ये तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए हैं तनख्वाहें लेते हैं। उसने कागज़ कलम आगे रख दिया, कहा हज़रत यहाँ लिख के दे दें आप 1 महीना जिंदा रहेंगे मैं तनख्वाह दे देता हूँ, अब मुझे लिख के दे दें आप 1 माह जिंदा रहेंगे मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। चुप करके उठे, 1 लफ्ज़ नहीं बोले, घर गए। हजरत अपनी बेगम फातिमा से कहा बेगम बच्चों से कह दो कि बाप के पास कपड़े लेकर देने की सकत नहीं है, और ख़जाने ऐसे भरे पड़े थे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद जब सारी फैमिली मिलने आई और बच्चे भी मिलने आए तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बच्चों आज तुम्हें दुख तो होगा अपने बाप पर कि 1 जोड़ा कपड़ा भी लेकर ना दिया ईद का। तो उनके एक बेटे ने कहा अब्बा जान आज हम बड़े खुश हैं, हमारा सर ऊंचा है कि हमारे बाप ने मुसलमानों के माल पर डाका नहीं डाला, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया लेकिन मुसलमानों के माल में खयानत नहीं की। ये उनका तर्ज हुकूमत था, इस तरह उन्होंने हुकूमत की। घर में तशरीफ लाए तो बेटियों से बात की तो उन्होंने मुंह पे ऐसे दुपट्टा रखा हुआ, मुंह पे दुपट्टा रख के बात करें तो फरमाने लगे कपड़ा तो हटाओ, दुपट्टा क्यों रखा हुआ है? तो घर की खादमा
जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के रोटी खाई है तो वो उसकी बू है मुंह में, आपको बू से नफरत है इसलिए मुंह पे कपड़ा रख लिया। तो हजरत उमर इतना रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। कहने लगे, आखिर में जब थोड़ा सा आश्रय में आए, कहा मेरी बेटियों, तुम्हारा बाप तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता है लेकिन मैं जहन्नम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मरने का वक्त आ गया। जब वो गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे उनका सामान चलता था और जब वो अमीरुल मोमिनीन बने तो अयादत के लिए लोग आ रहे थे, तो साले अयादत के लिए आए, फातिमा के भाई, कपड़े देखे अमीरुल मोमिनीन के तो बहन को एक तरफ करके फरमाया, बड़े नेक सरदारों में से थे ये मसलमा बिन अब्दुल मलिक, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन के कपड़े तब्दील करवा दो, लोग पूछने आ रहे हैं तो मैले कपड़े अच्छा नहीं लगता। कहा जी भाई, करवाती हूँ। अगले दिन जब वो हाल पूछने आए तो फिर वही कपड़े थे, तो उन्होंने उनको अलग जाकर कहा, बहन मैंने तुम्हें कहा था कपड़े बदलवा देती, क्यों नहीं बदलवाए? तो वो रोने लगी, कहने लगी कहां से बदलवाऊं, जोड़ा ही एक कहां से बदलवाऊं। और हुकूमत कितने थे? 3 बर्रे आजम की हुकूमत। हमारा तो पटवारी अमान का नहीं है, वो 3 बर्रे आजम की सल्तनत लेकर एक जोड़े में अल्लाह से मिलने जा रहा है। जब इनका इंतकाल हुआ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की डेड बॉडी जब कब्र के करीब लाए उतारने के लिए तो ऐसे ऐसे हिलने लगा, उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा जिंदा हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया, बेटो जिंदा नहीं है, अजाब कब्र जल्दी शुरू हो गया है, अज्जल अल्लाह बिल उकूबा, कब्र की पकड़ पहले शुरू हो गई है, छुपाओ अपने बाप को जल्दी। जब उमर बिन अब्दुल अजीज की डेड बॉडी कब्र के करीब की गई और उनको भाई उतारो, भाई वो बातें शुरू हो जाती हैं, रुमाल डालो, चादर पकड़ो, इधर से पकड़ो, तो एकदम ऐसे एक पर्चा हवा में उड़ता हुआ सबने देखा, वो आते 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 यूँ आके हजरत उमर के सीने पर गिर गया। सब देख रहे हैं। जब पर्चे को उठा के देखा गया तो उस पर एक सतर पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी सतर पे लिखा था बराअतुम मिनल्लाहिल उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ मिनन्नार, ये उमर के लिए जहन्नुम की आग से नजात का परवाना है। 3 बर्रे आजम की सल्तनत लेकर वो जन्नत का परवाना लेकर दुनिया से गए। जब उनको कब्र में उतारा गया तो उन्होंने रजा बिन हैवा से फरमाया था, 3 बादशाहों के चेहरे देखे किबले से फिर गए, रंग काले पड़ गए, मुझे तुमने देखना है कि क्या होता है। तो रजा फरमाते हैं, जब मैं कब्र में उतरा और उनके कफन की गिरा को खोल के देखा तो चेहरा किबले की तरफ फिक्स था और मुझे यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतराया हो। मेरे अजीजो तलबा तालिबात, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ, अल्लाह को अपनी